पांच साल में कांग्रेस की सरकार ने सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है तो भ्रष्टाचार करने का कार्यक्रम किया है। एक कुछ युवा लाल कलर का शर्ट और जर्सी पहनकर आए हैं। अरे भाई ठीक है, मेरी सभा में तो आ गए, गहलोत साहब की सभा में मत जाना, न तो आजकल जैसे बैल लाल कलर को देखकर सांड लाल कलर को देखकर दौड़ता है ऐसे गहलोत साहब होते। आपको मालूम है क्यों होता है ऐसा? जरा जोर से बोलो, क्यों होता है? क्यों होता है? लाल डायरी में क्या है? लाल डायरी में क्या है? गहलोत साहब का कच्चा चिट्ठा है। मैं आज राजस्थान की अजमेर की पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने टोटल भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, इतना गहलोत ने पांच साल में करने का काम किया है। पांच साल के अंदर खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया, खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया, उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया, प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन की खदान देने में 1,000 करोड़ का घोटाला किया, इनके सचिवालय में सेक्रेटरिएट में सचिवों के कमरे से अलमारी से 2 करोड़ रुपया और किलो में कुछ सोना मिलता है, किलो में। शर्म करो गहलोत जी। और फिर भी आज आप किसी की जांच नहीं कर रहे हो। काली सिंध बांध के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला किया और मोदी जी गेहूं बाजरा चावल बेचते हैं वो राशन में भी 1,000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार खा गई। भाइयों और बहनों 1,000 करोड़ जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते हैं वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को आत्मदाह करना पड़े, ये राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? ये राजस्थान का भला नहीं कर सकते। उखाड़ कर फेंक दो अशोक गहलोत सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार चलाओ।